इतनी ठंड है, जनवरी का महीना, ये देखिए कितना सॉफ्ट मटेरियल है। यही आप औरों का लेंगे तो माल बिल्कुल तीर की तरह अकड़ा हुआ होगा, ये अकड़े मटेरियल नहीं है। ठीक है, केबल्स हैं जो कि आजकल यूपी में या सरकार ने मैंडेटरी कर दी हैं, आर्मर्ड केबल्स। आर्मर्ड यानी कि इस केबल को मजबूत करने के लिए इस साधारण केबल के ऊपर ये लोहे की आर्मरिंग, लोहे का खोल चढ़ा दिया जाता है, उससे ये केबल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। Okay. चाहे ये इंडस्ट्री में लगने वाली 25 तार की केबल है, इसमें 25 तारें हैं। ठीक है, कोई भी किसी किस्म की केबल की रिक्वायरमेंट है तो हम अपनी तरफ से पूरी कर देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज आपका भाई आ चुका सदर बाजार के अंदर एक ऐसी शॉप पे, यहाँ पर आपको ओनली ओरिजिनल माल मिलने वाला है। वायर्स, सॉकेट, सारा कुछ मिलेगा इनकी शॉप पे, तो काफी अच्छे रेट में आपको यहाँ से माल मिलने वाला होलसेल रेट में। ठीक है, तो आइए सर से बात करते हैं, बताते हैं किस किस रेट से माल मिल जाता है इनके पास, और दिखाते भी हैं इनकी क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी में माल होने वाला है, क्योंकि आज जो वीडियो होने वाली है एकदम हटके होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक से एक माल आपको मिलने वाला है। ठीक है, वायर भी मिल जाएगा, सारा ओरिजिनल ब्रांडेड वायर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लोकल यहाँ पर नहीं मिलता है, ओरिजिनल ब्रांडेड मिलता है। ठीक है, तो आइए सर से बात करते हैं। ये है हमारे सर, तो सर कैसे हो आप? नमस्कार, बहुत ठीक है। तो सर आपका नाम क्या है और अपनी कंपनी का क्या नाम है? सुपर जीसी इलेक्ट्रिकल्स। ठीक है, मेरा नाम है राजीव नरूला। ठीक है, तो अपनी शॉप कहाँ पे पड़ती? सदर बाजार दिल्ली। अच्छा, रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन चिपराली साइड पे। तो अब आप कौन कौन सी कंपनी का वायर में डील करते हैं? बहुत सारी आइटम्स हैं, वैरायटी बहुत सारी है, कंपनीज बहुत सारी हैं। अच्छा, सारी डिटेल्स एक कैटलॉग में होती हैं, जो कैटलॉग आपको ग्राहकों को हम बांटते हैं, दुकानदारों को बांटा जाता है। उसके अंदर कंपनीज बहुत सारी के अलावा आइटम्स की क्वालिटी, बहुत सारी वैरायटी, इस तरह का कैटलॉग रहता है। अच्छा, इसके अंदर सारी वैरायटी इंडेक्स में होती है। अच्छा, जो कि हर तरह की हाउस वायरिंग से लेकर एग्रीकल्चर वायरिंग, फ्लेक्सिबल की तारें, 2 कोर 3 कोर इंडस्ट्रियल वायर्स, बहुत किस्म की वायर्स इसके अंदर रहती है। ठीक है, तो अभी आप दिखाने वाले हैं कुछ एक दो वायर अपने यहाँ कैसी होती है, थोड़ा दिखाएंगे? जरूर। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ सर, ये कौन सी कंपनी की वायर होती है? सुपर जी, सुपर जी। अच्छा, ये अपनी कंपनी है, खुद की? जी। अच्छा, खुद की कंपनी है, तो अपना प्योर कॉपर में होता है सब? प्योर कॉपर में होता है, और प्योर कॉपर में भी खासियत यही रहती है कि प्योर सीसीआर कॉपर में रहता है। सीसीआर कॉपर कंटिन्यूस कास्ट रॉड रहती है। अच्छा, जिसकी वजह से बचत और सुरक्षा क्यों रहती है कि सीसीआर कॉपर में इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है ज्यादा, और वेस्टेज बिजली की होती है कम, इसलिए बिजली का बिल, जो कि आजकल बिजली बहुत महंगी है, बिजली का बिल इसलिए बहुत कम आता है। ठीक है, तो अभी ये भी होता है, ये कौन सी कितने एमएम का होता है? 1.5 एमएम। अच्छा, पूरा 90 मीटर होता है अपना? 90 मीटर होता है, और आजकल ज्यादातर जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उन अच्छे सभी प्रोडक्ट्स के तार के ऊपर 1 मीटर 2 मीटर अंकित रहता है। वो अंकित होने की वजह से कभी भी तार की लंबाई कम नहीं निकलती। ठीक है, तो इसका जो डिब्बे का जो मतलब फिनिशिंग देख पा रहा हूँ मैं, कभी पॉली कैप की तरह आपने डिब्बा बनाया है? जी, पॉली कैप की तरह डिब्बा बनाया है। ये देखो, ये देखो भाई। ठीक है, ये देख सकते हो। तो भैया की खुद की कंपनी है, जो जीईसी है, सुपर जीईसी प्लस। ठीक है, और ये कौन सी वायर होती है भैया? ये राउंड वायर रहती है, गोल 2 कोर वायर। अच्छा, बहुत एसी वाली रहते हैं, एसी में भी काम आती है? एसी के अंदर 3 कोर काम आती है, 2 कोर काम आती है, बहुत इसके पर्पसेस रहते हैं। अच्छा, उन सब में, और खास बात ये है, सिर्फ आपने कॉपर का मुझसे पूछा, इस कॉपर के अलावा खास बात ये रहती है कि ये वायर्स का जो कंपाउंड होता है, जिसको साधारण भाषा में आप पीवीसी कहते हैं, ये पीवीसी इतना सॉफ्ट रहता है, खास बात कंपाउंड की ये रहती है कि सर्दियों के अंदर भी ये वायर बहुत लचीला और सॉफ्ट रहते हैं। आप देखते होंगे। अच्छा, सर्दियों में नॉर्मल कंपनीज का वायर बहुत अकड़ जाता है, अकड़ जाता है। इसकी खूबी ये रहती है कि बहुत ही सॉफ्ट रहता है। ठीक है, और जो हाउस वायर्स जो आपने देखी हैं, इन हाउस वायर्स में कॉपर के अलावा सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये FR है, फ्लेम रिटार्डेंट इंसुलेशन है। अच्छा, इससे आग लगने की कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है। टेम्परेचर ज्यादा के बावजूद भी इन आइटम्स को ओवरहीट में भी, आइटम्स की क्षमता है इस प्लास्टिक की, ये उसको सह जाती है। दूसरा, अलग अलग हमारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं, चाहे वो ISO हो, चाहे वो ISI हो, MSME हो, स्मॉल और मीडियम लघु उद्योग हो,
और फायर रिटार्डेंट पीवीसी हो, ये सब सर्टिफिकेट्स इस बात को साबित करते हैं कि इन मालों को बनाने के लिए बहुत ही टेस्ट्स हैं, उन टेस्ट से ये प्रोडक्ट पास होके आया है। और अगर कोई प्रोडक्ट हमारा फैक्ट्री के अंदर ही उसमें कमी लगती है तो उस प्रोडक्ट को पैक नहीं किया जाता, उसको इन हाउस रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। इन हाउस रिजेक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो ग्राहक के लिए वह प्रोडक्ट मिलता है जो कि सारी कमियों से दूर दूर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी हम बात करें सर, तो 1 mm की जैसे बात करें तो लगभग में कितने रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है अपनी वायर की? 1 mm की वायर आपको 240 रुपए से 800 रुपए तक की मिल जाती है। अच्छा, 240 से 800 रुपए तक की। ठीक है, वो उनकी लंबाई और उनका गेज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उनकी कॉपर की क्वालिटी भारी होती जाएगी और उसका रेट धीरे धीरे बढ़ता। ये जो पर्टिकुलर बंडल है प्योर कॉपर में है, कॉपर की आप चमक देखें, और साथ में जो कंपाउंड है पीवीसी, इसकी गेटअप, इसकी खूबसूरती देखिए। ये माल फ्लेक्सिबल है, फ्रेश पीवीसी में है और सालों साल चलता है। बहुत सारे चीज़ों में इसका उपयोग आता है, टेम्परेरी लाइट में, लड़ियों में, हर जगह पे इसका काम आता है। अच्छा, इसमें एल्युमिनियम भी होता है? ये एल्युमिनियम भी मिलता है, एल्युमिनियम भी उतना ही फायदा देता है। एल्युमिनियम सस्ता पड़ता है, बस फायदा एल्युमिनियम का ये है कि ये इसकी लाइफ थोड़ी उससे कम रहती है। ठीक है, तो बात करें तो इसकी स्टार्टिंग वायर की कितने रुपए से हो जाती है डबल वाले की? इस डबल वायर की स्टार्टिंग लगभग 50 रुपए से लेकर ऊपर 300 रुपए तक हो जाती है। 300 रुपए तक। और ये केबल की बात करें तो ये एल्युमिनियम वाली केबल आ जाती है, जैसे कि ये कितने एमएम होती है? ये केबल आपको 2.5 mm, 4 mm से लेकर ऊपर 25 mm तक, 10 mm सब मिलती है ना अपने यहाँ। ये केबल जो सरकारी पोल रहता है उस पोल से लेकर आपके घर के मीटर तक ये केबल काम आती है। और चूंकि ये केबल आपकी आउटडोर डलती है, ठीक है, तो इसके अंदर पीवीसी का बढ़िया होना, मैं बार बार आप गौर करें, मैं पीवीसी की क्यों चर्चा करता हूँ, क्योंकि साधारण जन, साधारण दुकानदार या मैन्युफैक्चरर कंडक्टर को तो लगा देंगे ठीक, लेकिन जो कंपाउंड है, जो पीवीसी है, जिसने वेदर प्रूफ होना है, जिसने वेदर में सालों साल चलना है, उसमें कमजोरी कर देते हैं, उस वजह से केबल हल्की पड़ जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। और इसी तरह कुछ केबल्स हैं जो कि आजकल यूपी में या सरकार ने मैंडेटरी कर दी हैं, आर्मर्ड केबल्स। आर्मर्ड यानी कि इस केबल को मजबूत करने के लिए इस साधारण केबल के ऊपर ये लोहे की आर्मरिंग, लोहे का खोल चढ़ा दिया जाता है, उससे ये केबल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अच्छा, ये जो चढ़ा हुआ देख पा रहा हूँ अभी मैं, और क्योंकि चंद गवर्नमेंट ने, कुछ यूपी गवर्नमेंट्स ने इसको मैंडेटरी कर दिया है, पक्का कर दिया कि जो भी केबल आगे लगेगी सरकारी के बाद वो ये वाली लगी, इससे केबल बहुत मजबूत हो जाती है। तो आपको हमारे पास 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm सारी रेंज में ये आर्मर्ड केबल भी मिलेगी। कैटलॉग है ये, ठीक है। केबल्स में ज़्यादातर हम आपकी सारी कमी पूरी कर सकते हैं, चाहे ये टेलीफोन में इस्तेमाल होने वाली केबल है 20 पेयर की, ठीक है, चाहे ये इंडस्ट्री में लगने वाली 25 तार की केबल है, इसमें 25 तारें हैं, ठीक है, कोई भी किसी किस्म की केबल की रिक्वायरमेंट है तो हम अपनी तरफ से पूरी कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह आजकल इंटरनेट के लिए, कंप्यूटर ज्वाइन करने के लिए Cat6 केबल्स चलती हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स जोड़ने के लिए, ठीक है, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ये इस तरह से केबल्स आती हैं, मजबूत कॉपर की। लोग इसके अंदर एल्युमिनियम या CCS लगा देते हैं, उससे डेटा की स्पीड बहुत कम हो जाती है, ठीक है। इधर तो हम पैसे भरते हैं कंपनीज को 5G कनेक्शन लेने के लिए, उधर ग्राहक मूर्ख बन के हल्की केबल ले लेता है जो कि कॉपर कंडक्टर नहीं होता, उससे कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है और हमारा पर्पस बेकार हो जाता है, ठीक है। और ये कौन सी केबल होती है? ये वो डिश वाली। इसी तरह ये केबल्स हैं डिश वायर के लिए, डिश वायर की केबल्स रहती हैं। इसके अंदर भी हम आपको देते हैं प्योर कॉपर की केबल्स। अच्छा। जब हम आपको प्योर कॉपर की केबल्स देंगे तो उसका फायदा ये होगा कि जो आपके हाई डेफिनेशन HD टीवीज हैं, उस टीवी में फोटो बहुत क्लियर आएगी। इधर तो ग्राहक, आप लोग बहुत बढ़िया टीवी लेते हैं, पर छोटी सी भूल आपकी केबल स्टील में लगाने से क्या होता है, स्टील में लगाते ही उनका DB लॉस हो जाता है और पिक्चर के अंदर धुंधलापन आ जाता है। अच्छा। तो ये जो हमारी केबल्स हैं, ये प्योर कॉपर की केबल्स हैं, इसका फायदा ये रहता है कि आपको DB लॉस नहीं मिलेगा और
पिक्चर की क्वालिटी बहुत बेहतर आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो सर का सारा केबल का ही काम है, ए टू जेड वायर का काम है, ठीक है। तो यहाँ पर हर तरीके की आपको वायर मिलने वाली है, ये सामने देख सकते हो आप, हर तरीके का वायर मिल जाएगी, ठीक है। वायर की कोई कमी नहीं भैया के यहाँ, सारी वायर मिलती है, ठीक है। और प्योर कॉपर में मिलेगी भैया के यहाँ, यहाँ पर लोकल का कोई काम नहीं है, ओनली ओरिजिनल मिलेगी, ठीक है, कॉपर में। ये सामने देख सकते हो सारा ए टू जेड कॉपर होगी, भैया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, प्योर कॉपर लगाते हैं भैया, ठीक है, ये देख सकते हो भाई। तो सर अभी मैं देख पा रहा हूँ ये कौन सी लीड्स होती हैं। ये लीड्स हैं जो कि एक्सटेंशन लीड्स इनको कहा जाता है, जिस तरह से हमने अपने किसी एक्सटर्नल वायर को, जैसे प्रिंटर है या कोई मोबाइल चार्जर है, अगर इस मोबाइल चार्जर से मैं चार्ज करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और लीड यहाँ तक नहीं आती, तो हम इस मोबाइल चार्जर को इसमें लगा सकते हैं और इस लीड को हम फर्दर आगे एक्सटेंशन बोर्ड में लगा सकते हैं। अच्छा। उसके लगाने से ये हमारे को काम करने में यहाँ सहूलियत मिल जाएगी, ये हमारा फोन इतनी दूर तक आराम से चार्ज हो जाएगा। अच्छा। और ये बहुत ही किफायती कीमत पे मिलती है। अच्छा। किफायती कीमत के अलावा ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, रेट भी बहुत वाजिब है और बहुत ही यूजफुल है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज है जो कि आपको सिर्फ खरीदने के लिए वहां पे बिकेगी, नहीं, ये बहुत अच्छे से आपको बिकेगी, सामने वाला ग्राहक दुकानदार भाइयों से बहुत आराम से इसको लेकर जाए। बहुत ही अट्रैक्टिव पैकिंग में अवेलेबल है और इसका यूज बहुत चीजों में होता है, पंखों में, फ्रिज में, लैपटॉप, कूलर, प्रिंटर, मिक्सी, ब्लेंडर, आयरन, कोई भी चलाना हो, उन सब चीजों में इसका काम है। अन्य लीड्स हैं हमारी जो कि काम आती हैं अन्य सभी चीजों में, ये बहुत ही बढ़िया पैकिंग में लीड्स रहती हैं। इसमें कॉटन की लीड्स हैं, कपड़े वाली, जो कि प्रेस के लिए काम आएंगी। इसमें भी कूलर की लीड्स हैं, ये फिर कॉटन की लीड्स हैं। अच्छा। जो खास बात है हमारे यहाँ पे, जो एज अ ट्रेडर जो आपको फायदा मिलेगा, वो इस चीज का मिलेगा कि आपको वैरायटी बहुत ज्यादा मिलेगी। रेट तो वाजिब होते ही हैं, ठीक है, लेकिन जो वैरायटी आप रख सकते हैं, ग्राहक को आज की डेट में सब तरह की वैरायटी चाहिए, उसको लंबाई 3 गज भी चाहिए, 3 मीटर भी चाहिए, 2 मीटर भी चाहिए, उसमें इसको 3 तार भी चाहिए, 2 तार भी चाहिए, तो इस तरह से। और क्योंकि मैं बार बार इसी बात पे जोर देना चाहूंगा, क्वालिटी कंट्रोल इतना ज्यादा है कि ग्राहक जब दुकानदार हमसे माल ले जाता है तो उस दुकानदार भाई को कभी भी माल में रिजेक्शन नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी रिजेक्शन है उसको हम अपने एंड पे दूर कर देते हैं। अच्छा। 99% रिजेक्शन हम अपने एंड पे ही दूर कर देते हैं, फिर भी कभी कभार कोई पीस आए तो अलग है, नहीं तो ज्यादातर रिजेक्शन दूर हो जाती है। और सारी माल के अंदर आपको एक और खूबी मिलेगी कि आपको सारा माल रेडी स्टॉक मिलेगा। अच्छा। कोई भी अगर दुकानदार को माल चाहिए तो वह माल उसको रेडी स्टॉक मिलेगा, ना कि उसको पैसे दे के इंतजार करना पड़ेगा कि उसने पैसे दिए, 1 हफ्ता हो गया माल ही नहीं है, 4 दिन हो गए, जवाबदारी नहीं है, बहानेबाजी है, ऐसे कोई काम नहीं है। दो, तीसरी बात, रेट हमेशा आपको एक मिलेंगे, ऐसा नहीं आपको मिलेगा कि अभी रेट कुछ था, कल कुछ कर दिया, किसी को देख के कुछ रेट हो गया। सारे रेट हमारी डिफाइंड लिस्ट्स पे अंकित रहते हैं, वो सारे रेट्स आप स्वयं ही पढ़ सकते हैं। ये इसको हम स्पीकर वायर बोले या इसका उपयोग कहीं भी लाउड स्पीकर में, मंदिर में, मस्जिद में और घरों के डीजे में, गाड़ियों के अंदर, बहुत ही अल्ट्रा सॉफ्ट मटेरियल से लोग बनाए, बॉम्बे का मटेरियल है, ये मटेरियल से फायदा मिलता है। इस मटेरियल को हमारे यहाँ जो भी आप मटेरियल लेंगे उस पे एक बात आप तय करके समझें कि क्वालिटी आपको उस मटेरियल में मिलेगा। और आजकल सही दुकानदारों को समझ जाना चाहिए, लेबर कॉस्ट बढ़ गया है, अगर आप क्वालिटी हल्की लगाएंगे और उसको आपको दो दो बार वही प्रोडक्ट को उसी जगह पे लगाना पड़ेगा, इसका मतलब है आपकी लेबर का नुकसान हो गया। तो आजकल लेबर कॉस्ट इतना आए है, आदमी को कहीं से भी हल्का मटेरियल ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो सर कोई आपके यहाँ आना चाहता है तो कैसे आएगा आपके पास? अगर दिल्ली के अंदर आना चाह रहे हैं तो सदर बाजार मशहूर, बहुत ही बढ़िया, दिल्ली से ही आना चाह रहे हैं तो सदर बाजार बहुत ही बड़ी मार्केट है, एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। अगर दिल्ली से अन्य किसी राज्य से आना चाह रहे हैं तो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप आ सकते हैं, नजदीक मेट्रो स्टेशन है 30 हजारी और रामाकृष्णा आश्रम, ये 2 मेट्रो स्टेशन बहुत नजदीक है, बहुत ही सेंट्रली प्लेस्ड है।
और यहाँ बहुत ही आराम से आ सकते हैं। बस यहाँ आने के बाद आप हमारे जो नंबर्स हैं उनमें से किसी नंबर पे बात कर सकते हैं, वो बहुत आराम से आपको डायरेक्शंस दे दी जाएंगी। और इसके अलावा गूगल के ऊपर या अन्य पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको हमारे फर्म की कंपनी की डायरेक्शंस, लोकेशन, सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। और आपको इन सब चीजों की फोटोग्राफ भी गूगल पे आराम से मिलती है। ठीक है, तो गूगल पे चेक करने के लिए क्या सर्च करना पड़ेगा सर? गूगल पे सर्च करने के लिए बहुत ही साधारण है, बस ये नाम काफी रहेगा। अच्छा। सुपर जीसी वायर। अच्छा। जैसे ही आप सुपर जीसी वायर डालेंगे तुरंत आपको सारी चीजें वहां उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक है सर, बहुत। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आज की वीडियो में हमने आपको सदर बाजार के अंदर सारा वायर के सबसे बड़े होलसेलर के पास आज आए थे, सामने आप देख ही सकते हो सारा वायर इनके पास मिल जाता है A to Z। ठीक है, तो यहाँ से ऑनलाइन भी ऑर्डर हो जाएगा, इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से निकाल कॉल कर सकते हो। तो भाई, किसी भाई को हमसे बात करना तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से निकाल के कॉल कर सकते हो। तो भाई, आज के लोग वही तय था, मिलते किसी नेक्स्ट लोग में, तब के लिए।